त्योहार की शाम डांस के नाम सयूरी कान्हा का नच बलिए झूम कर नाचा पूरा परिवार। स्टार भारत के सीरियल वो तो है अलबेला में कुसुम और ऋषि की शादी के बाद की पहली दिवाली है। ऐसे में ये दिवाली धमाकेदार तो होनी ही चाहिए। जरा देखिए कैसे कान्हा सयूरी और नकुल ने अपने डांस से चार चांद लगा दिए और त्योहार की शाम को जगमगा दिया। वही यहाँ तो नाच गाने के साथ साथ ट्विस्ट भी है और ये ट्विस्ट है ऋषि के लिए जो कुसुम के पापा लेकर आए हैं। असल में त्योहार के मौके पर कुसुम के पापा अपने दामाद को देते हैं एक चेक जिसे पाकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी में ग्रहण तब लगता है जब उसके पापा सच बताते हैं कि ये चेक किसी और के नहीं बल्कि कुसुम के नाम है, जिसे सुनकर ऋषि को आ जाता है गुस्सा। लेकिन कान्हा सयूरी और नकुल तीनों बेहद खुश हैं ऋषि के पापा के इस फैसले से। ये लो कुसुम, इस पे तुम्हारा हक है, आफ्टर ऑल तुम ही घर की लक्ष्मी हो। ये लो पकड़ो चेक और इसे संभाल के रखो। हाँ हाँ, अभी इसे संभाल लेने दो, लेकिन कल सुबह उसके साथ जाना और उसके बैंक में ये चेक जमा कराना। उसके? हाँ बेटा, अभी तो तुमने कहा ना कि असली लक्ष्मी तो यही है, तो हमने भी यही सोचकर चेक उसी के नाम का लिखा है। अरे यार, ये तो सही, पापा नेले पे देला खेल गए। आपका पापा किसके? सच में अपने पापा तो एकदम अपने पापा निकले। अरे वाह दीदी, कंग्रेचुलेशन, अब तो सब कुछ आप ही के हाथ में। हाँ मतलब जैसे वीडियो गेम में होता है ना, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल वो हर चीज कंट्रोल करता है, वैसे ही जिसके पास पैसे वो बिजनेस का असली मालिक। बिल्कुल सही, वैसे ही जैसे घर की तिजोरी की चाबी लेडीज के हाथ में होती है, बिजनेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। पैसे का कंट्रोल पूरा लेडीज के हाथ में होना चाहिए, स्पेशली अगर वो पैसे उसी के पापा ने दिए, है ना? जी जू जी। भाई कान्हा ने ना सिर्फ ज्ञान का पाठ दिया बल्कि ऋषि के अंदर की ज्वाला को और भी भड़का दिया। यानी ऋषि अब दुगनी प्लानिंग कर कर आएगा, तो बच कर रहिएगा कान्हा, क्योंकि ऋषि की तैयारी शुरू हो गई है। फुलझड़ी पे जब इसकी परत आएगी तो फुलझड़ी पटाखा भर के धमाका करेगी करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।